Clash of Clans के इंटरेस्टिंग एपिसोड में सो फाइनली वी आर जस्ट अगेन बैक विद अ ब्रांड न्यू टाउन हॉल 15 वॉर लेजेंड एंड फार्मिंग बेसिस गाइस सारे तरह के बेसिस इस वाले वीडियो में होने वाले और काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है ये वीडियो सो भाई पूरी वीडियो देखना एंडिंग में हम हर बेस के सीसी के बारे में भी बात करेंगे कि आपको कौन सा सीसी किस बेस के साथ यूज करना है अगर आप वीडियो मिस कर दोगे तो फिर आप सीसी नहीं जान पाओगे तो पूरी वीडियो देखना एंड बेसिस ब्रांड न्यू है अमेजिंग है मजा आएगा आपको देख करके एंड सारे बेसिस के लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में इजीली जस्ट गो क्लिक ऑन द लिंक एंड जस्ट कॉपी द बेस आपके लिए मेहनत हम कर लेते हैं आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो बिकॉज सब्सक्राइबर काउंट आप देख सकते हो 35,300 हो गया जल्दी से अपन को 50 करने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है एंड गाइज मैंने अभी रिसेंटली एक चीज नोटिस करी है वो नोटिस मैंने क्या करी मैं आपको बताता हूँ तो गाइस ये वाला यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ ये सी दैट लिटरली 67% ऑफ ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है एक सेकंड लगेगा प्लीज हिट इट दैट सब्सक्राइब बटन हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी सब्सक्राइब कर लेना चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो सो गाइस यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट बेस दिखाता हूँ सबसे पहले चल के वॉर बेसिस टॉप 3 बेसिस दिखाने वाला हूँ जिसमें से अलग अलग टाइप के बेसिस लेकर के आऊं मैं बिल्कुल आपने मतलब देखते ही मजा जाएगा एक बेस गाइस ये वाला आप देख सकते हो पूरा स्प्रेडेड है बहुत ज्यादा अगर इसमें कोई ग्राउंड अटैक करेगा तो उसको फनलिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि ये जो ज्यादा स्प्रेडेड बेस होते हैं ना इसमें आर्मी रोटेट रोटेट गोल गोल घूम जाती है बेस के अंदर में और मर जाती है तो ये ऐसे टाइप के बेसेस जो स्प्रेडेड होते हैं और बिल्कुल हर जगह से वॉल ओपन है कहीं से भी वो जाएगा तो एंट्री लेना बहुत हार्ड हो जाएगा और अगर सेंटर की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो टाउन हॉल के बगल में दो रेज स्पेल टावर प्लेस कर रखे जो किनको रेज करने वाले टाउन हॉल को खुद को उसके साथ में दो इन्फर्नो दो एक्सबो स्वीपर ये सब रेज हो जाएगा तो आप समझ सकते हो रेज के बाद में क्या पावरफुल हो जाएगा सेंटर मिड ऑफ द टाउन हॉल एंड अगर कोई इस जगह से आने की ट्राई भी करेगा तो यहाँ पर मोनोलिथ है बहुत सारे जाइंट बॉम्ब स्कैटर शॉट एक्सबो टेस्ला फार्मिंग बॉम्ब लॉट्स ऑफ थिंग मतलब सेंटर जो इस बेस का बना हुआ है वो बिल्कुल डाइन सेंटर है कोई घुसेगा घुसते बॉम्ब बूम दड़ीम मतलब खत्म हो जाएगी उसकी आर्मी लिटरली और टेस्टेड बेस है एंड स्कॉट व्यू में कुछ बेस इस तरह का आपको लुक करेगा एंड भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड काफी लोग इस वाले बेस पे ऑलरेडी फेल कर चुके हैं काफी बार वन स्टार हो जाता है क्योंकि टाउन हॉल तक जब आर्मी जाती है ना तो जो डैमेज पड़ता है मोनोलिथ ये वो स्पेल टावर जो डैमेज देते हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है तो ये न्यू बेस है मस्त ट्राई अगर मैं व्यू वॉल्स की बात करूं तो आप यहाँ पर वॉल्स वगैरह पूरे बेस की देख सकते हो काफी इंटरेस्टिंग टाइप की वॉल्स आपको लगेगी एंड आफ्टर बेरेक रिमूव जो अपने चार बेरेक रिमूव हुए इसकी जगह 3 बिल्डिंग आई है सब सेट हो चुका है इस बेस के अंदर में हमने थोड़ा खुद से मॉडिफाई भी किया है बेस को तो बाकी आपके लिए बेस है जस्ट आपको एक लिंक पे कॉपी करना अभी इस बेस की सीसी के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने बोला 50 कैपेसिटी का सीसी अब अपने हो चुका है तो गाइस आपको इस वाले बेस के अंदर में मैं बता रहा हूँ पर्सनली 3 आइस गोलम और 5 गोब्लिन या 5 आर्चर आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हो बट 3 आइस गोलम सीसी के अंदर में रखना क्योंकि जब वो बंदा सेंटर पुश कर देता है और गलती से एयर अटैक हो और किंग क्वीन लूर ना करे तो बात अलग है बट अगर वो कोई और भी अटैक कर रहा है वो एक आर्चर भी चली जाती है सेंटर तो उसके बाद यहाँ पर लॉट्स ऑफ आइस गोलम्स निकल जाएगी और वो फ्रीज कर देगी और डैमेज इतना ज्यादा है ना सेंटर में खत्म हो जाएगा तो ये तो बेस नंबर 1 चलो चलते बेस नंबर 2 की तरफ चलो बेस नंबर 2 गाइस ये भी रिंग बेस है एंड आखिरी में रिंग बेस नहीं आएगा आखिरी में थोड़ा काइंड ऑफ अलग सा बेस आएगा भाई ये जो बेसिस अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ ये रिंग टाइप के बेसिस अगर आप यूज करोगे ना अभी तो भैया जो रेज स्पेल टावर है अभी सबके लेवल 1 के हो गए तो मैं उस हिसाब से ही बेस दे रहा हूं आपको ध्यान रखना बाकी किसी ने अगर स्पेल टावर अपग्रेड कर लिया है तो एक इनविजिबल कर लेना एक रेज कर लेना आग लगा दोगे बिल्कुल से बता रहा हूं एंड गाइस अगेन यहां पर अब वो कितना भी कॉर्नर इसका दोनों तरफ का इजी है जो मेन खेल है वो है सेंटर में और ठीक है सेंटर का जो खेल है वहां पर गाइस टोर्नेडो भी है वहां पर स्पेल टावर्स भी है जो कि डिफेंसेस को रेज कर देते उनके हिट पॉइंट इतने बढ़ा देते कि आर्मी का सरवाइव करके निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो इस टाइप के बेसिस एंटी अगर मान लो उसने कोई क्लियरेंस ट्रूप नहीं लिया तो 0 स्टार तक हो जाते गाइस लिटरली ये बेसिस आप मस्ट यूज करना आप ट्राई करके देख लेना और मुझे कमेंट में आकर के फीडबैक देना आपको कैसा लगा ये सारा बेसिस यूज करने के बाद में अब इस बेस की खासियत क्या है यहाँ पर साइड में कुछ भी नहीं है दोनों तरफ आप इजीली कवर अप कर लोगे अब आपको क्लियर करना है बिल्कुल क्या सेंटर टीएच जो कंपार्टमेंट है वही है मेन और वो आपको क्लियर करना है और वहां पर जब कोई भी ट्रूप जाएगा ना जब रेज स्पेल टावर रेज कर देगी डिफेंसेस को
तो वो वार्डन एबिलिटी के अलावा बच नहीं पाएंगे। अगर वार्डन एबिलिटी में परफेक्ट टाइम पे है तब भी यहाँ पर गाइस टोर्नेडो इस तरफ रखा हुआ है कि जैसे वो टाउन हॉल भी डाउन कर देना तो वो रोटेट करके उनको टाउन हॉल पॉइजन में लाके खड़ा कर देगा। और जो पीछे एक रेज स्पेल टावर है तो जो मोनोलिथ ईगल स्कैटर शॉट सबको रेज करेगा टाउन हॉल, तो बहुत ज्यादा डेडली डैमेज बन जाएगा सेंटर में और वहां से आर्मी का सर्वाइव करके निकल पाना बाहर। मतलब चक्रव्यूह सुना होगा ना महाभारत का, तो काइंड ऑफ ये चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह को घुसना तो आसान है, घुस तो जाओगे आप, पर निकल पाना इतना मुश्किल है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब ये बेसिस रिंग बेसिस अभी आग लगा रहे, लेजेंड लीग में यूज करो डेफिनेटली बहुत तगड़ा डिफेंड करके देगा आपको। मैं तो पर्टिकुलरली खुद भी अब रिंग बेसिस यूज करने वाला हूँ लेजेंड लीग में। एंड ये रही बात इसकी, अगर मैं स्कॉट व्यू की बात करूं तो कुछ इस तरह का आपको स्कॉट व्यू देखने को मिलेगा। स्कॉट व्यू के अलावा व्यू वॉल्स की बात करें तो देयर वी गो, ये यहां पर इसकी वॉल प्लेसिंग है एंड काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। तो चलिए ये था बेस नंबर टू। चलिए अब आखिरी वाला जो बेस बचा हुआ है जो हमने आपके लिए बनाया है, देयर वी गो, ये डायमंड टाइप ऑफ बेस है। एंड भाई इसमें जो प्लेसमेंट है ना वो जोरदार है एकदम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गाइस दो स्पेल टावर्स यहां पर बिल्कुल टाउन हॉल के बगल में पड़े, आप देख सकते हो। ठीक है, अपन इसमें एक और चीज कर सकते हैं, ये वाला स्पेल टावर थोड़ा सा बॉम्ब की जगह रख लेते हैं। एंड रेंज आप देख सकते हो अब ये थोड़ी इस तरफ भी हो गई, ये बिल्डर हट को भी एक वाला कर लेगा, टाउन हॉल तो हो ही रहा है। अब रेंज में गाइस आप देख सकते हो स्पेल टावर की रेंज कितनी है, यहाँ पर जब कोई भी ट्रूप आएगा, मतलब मान लो सीधे ब्लिंप वो फेंक नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर स्वीपर है और ब्लैक माइंस वगैरह लगी हुई है, तो सीधे ब्लिंप से टाउन हॉल नहीं आएगा, बाकी काफी अच्छा डिफेंड करेगा बेस। और बैक साइड से आएगा तो वो जैसे ही स्कैटर कंपार्टमेंट में पहुंचेगा, फिर उसके बाद जब वो टाउन हॉल कंपार्टमेंट में एंट्री लेगा, यहाँ पर रेज स्पेल टावर आग लगा देगी पूरे बेस के अंदर में और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आर्मी का सर्वाइव कर पाना। ऐसे बेसिस का भी बहुत ज्यादा अच्छे वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोर्नेडो भी बैक साइड में प्लेस हुआ हुआ है, साथ में दो दो जॉइंट बॉम्ब है, तो कोई ब्लिजर्ड करने की ट्राई करेगा तब भी उसका ज्यादा चांसेस नहीं है टू गेट इट डाउन दैट बेस। तो ये बेस भी काफी अच्छा आपके लिए वर्क करने वाला और काफी एक वैल्यू जो आप बोल सकते हो ना वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करके देगा। अगर मैं स्कॉट व्यू की बात करूं तो यू कैन सी द स्कॉट व्यू। एंड पिछले वाले की सीसी बताना भूल गया, वो भी मैं अभी बता ही रहा हूँ, दोनों बेसिस की उसमें भी सेम जो लास्ट है सेकंड नंबर बेस था उसमें भी ट्रिपल आइस गोलम सीसी यूज करो आग लगा देगी। इसका चेंज होगा सीसी, इसका बताता हूँ। व्यू वॉल्स की बात करें तो गाइस डायमंड टाइप ऑफ बेस है एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरह की इसकी वॉल प्लेसमेंट है, हर जगह से पैक है, कहीं से भी ओपन वॉल्स नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये था बेस नंबर थ्री। अब मैं इसके सीसी की बात कर लेता हूँ। इसके सीसी में आपको रखना है आई साउंड हेड हंटर फोर आर्चर्स या फिर आप रख सकते हो लावा आई हेड हंटर आर्चर, तो ये दो कॉम्बिनेशन दिए इस बेस के लिए परफेक्टली वर्क करने वाले। आई साउंड रखोगे तो ज्यादा बेटर वैल्यू मिलेगी, बट किसी किसी के अनलॉक नहीं होता तो आप यूज कर सकते हो लावा हाउंड आइस गोलम एंड सम वन हेड हंटर एंड फोर आर्चर वाला कॉम्बिनेशन, वो भी तगड़ा हो जाएगा। तो भाई कटते ये सारे के सारे बेसिस जहर है, सबके बेस लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सीसी हमने बोलकर बताई दिया। होप यू एंजॉय द टाउन हॉल 15 वीडियो एंड ये सेकंड वीडियो है एंड और भी बेसिस वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आई बटन में आप सबसे टॉप पे वाली वीडियो देख सकते हो जहां हमने और न्यू टॉप 3 बेसिस दिए इनसे हटकर के अलग। अगर आपको और कोई बेस देखना है तो आई बटन वाला वीडियो चेक कर लेना। एंड ऑल्सो अगर आपको मैक्स करना है टाउन हॉल 15 फास्ट तो आई बटन में रोड टू मैक्स ये 3 एपिसोड मैंने लगा रखे अपग्रेड गाइड के साथ, कैसे फास्ट अपग्रेड कर सकते हो अपने बेस को, तो जाकर जरूर से उन वीडियो को भी प्यार दे देना। मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्लैश ऑन, हैव अ नाइस डे, क्लैश आर हार्ड फॉर यू एंड लव यू ऑल।